खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं आप। साध्वी का धर्म युद्ध या बीजेपी का धर्म संकट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एमपी के भोपाल की उस सीट की जिस पर अब पूरे देश की निगाहें हैं। क्यों? क्योंकि ये बन चुकी है हाई प्रोफाइल सीट कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह वर्सेस बीजेपी की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का यहाँ है कड़ा मुकाबला। अब देखिए ना, केवल 10 दिन हुए हैं बीजेपी में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को शामिल हुए, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है कि साध्वी का धर्म युद्ध या बीजेपी का धर्म संकट। केवल 10 दिन, जी हाँ केवल 10 दिन, और कांग्रेस 3 बार चुनाव आयोग जा चुकी है साध्वी की शिकायत लेकर। जी हाँ, 3 बार में एक बार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अपने बयान के लिए बकायदा माफी मांगनी पड़ गई। इसके अलावा एक बार नहीं, 3 बार अपने बयानों पर यू टर्न भी साध्वी को लेना पड़ गया। इसीलिए बार बार ये राजनीतिक सवाल खड़ा हो जाता है जिसका जवाब जानना जरूरी है कि क्या जिन साध्वी को धर्म युद्ध के नाम पर बीजेपी ने उतारा वही उसके लिए धर्म संकट तो नहीं बन गई। चुनाव में धर्म जाति भाषा के नाम पर वोट मांगना, चुनाव के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत सजा 3 वर्ष की जेल या जुर्माना। लेकिन भोपाल में बीजेपी के हिंदुत्व का नया चेहरा बनी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। आनंद नहीं आया, थोड़ा जोर से बोलेंगे और पूरी आवाज से बोलेंगे। जब प्रभु राम जी के आशीर्वाद से चलते हैं तो सब काम बड़ी सरलता से हो जाते हैं। इसलिए जोर से जयकारे लगाइए, जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे। संन्यास से मालेगांव बम धमाके में आरोपी के तौर पर सलाखों और फिर सलाखों से सियासत के सफर पर निकली साध्वी वोट मांगती हैं तो कानूनी धाराओं को चुनौती देते हुए। तो बंदे माते और भारत माता के छाकरे लगते हैं और जिनको ये नहीं चाहिए वो यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि भारत में यदि रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। ये वो साध्वी हैं जो विवाद होता है तो मौन व्रत धारण कर लेती हैं। लिमिट नहीं है, 2 बजे 3 बजे ऐसा कुछ नहीं है, मगर समझा ये जा रहा है कि आज एक खास मुहूर्त का दिन है इसलिए वो पर्चा भरने जा रही है, क्योंकि कल ऑफिशियली पर्चा भरा जाएगा मगर आज मुहूर्त है तो जिसके लिए भी अपने साथियों के साथ मुहूर्त निकाल के पर्चा भरने जा रही है। मगर आप देखिए उनको चारों तरफ से लोग घेरे हुए हैं, मिलने वाले आए हुए हैं और यही वजह है कि काफ़ी सारी संख्या में लोग उनको देखना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं। और जब मौन व्रत तोड़ बोलती हैं तो धर्मयुद्ध बताकर वोट मांगती साध्वी पार्टी के लिए नए नए धर्म संकट पैदा करती हैं। अब फिर से ऐसे आतंकी का समापन करने के लिए, फिर से ऐसा बेरोजगारी को बढ़ाने वाले लोगों के लिए एक फिर से सन्यासी को खड़ा होना पड़ा है। प्रज्ञा जी कहती है दिग्विजय सिंह आतंकवादी है, अगर आतंकवादी है तो गिरफ्तार करो करते। दिग्विजय सिंह को आतंकी कहा तो कांग्रेस ने शिकायत की और साध्वी पलट गई अपने बयान से। आतंकी कल अपने बोला था दिग्विजय सिंह को उसको लेकर चुनाव है, और फिर जैसे ही साध्वी से पत्रकार ज्यादा सवाल पूछने लगते हैं समर्थक पीछे से भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ साध्वी की ढाल बन जाते हैं। तो क्या साध्वी प्रज्ञा एक तरफ
प्रबल हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगकर बीजेपी के लिए सहारा बनती हैं, तो दूसरी तरफ अपने विवादित बयानों से बीजेपी के लिए धर्म संकट खड़ा करती हैं। कांग्रेस एक हफ्ते के भीतर 3 बार उनके बयानों को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत कर चुकी है। एक बार बीजेपी और एक बार संघ की तरफ से भी उनको संभल कर बोलने की हिदायत दी जा चुकी है। लेकिन हर बार साध्वी या तो पलट जाती हैं या फिर संघ और बीजेपी की समझाइश पर माफी मांग लेती हैं। जैसे पहले शहीद हेमंत करकरे की शहादत का अपमान करके 24 घंटे बाद साध्वी ने माफी मांगी, फिर दिग्विजय सिंह को आतंकी कहा, 24 घंटे में साध्वी पलटी, कहा नहीं बोला आतंकी। लेकिन साध्वी है कि मानती नहीं, कैसे ये समझने के लिए कहानी को ध्यान से देखिए। नामांकन करने के बाद भोपाल में साध्वी अब एक छोटे से रथ पर बैठकर अपना रोज प्रचार कर रही हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने नामांकन भरने के बाद अपना प्रचार शुरू कर दिया। आप देख सकती हैं कि भोपाल की गलियों में उनका प्रचार शुरू हो गया है। ये भोपाल का टीटी नगर है जहाँ पर उनके साथ उनके सारे कार्यकर्ता निकले हुए हैं प्रचार करने के लिए। ये साध्वी ने इस कलश में फूल चढ़ाए हैं चूंकि, और उनको प्रसाद दिया जा रहा है, उनको नारियल दिया जा रहा है और उनको उनका ऐसा स्वागत किया जा रहा है कि जैसे घर में कोई बेटी आई हुई हो। दीक्षा मांग रहे हैं, सन्यासी है क्योंकि हम कमा नहीं सकते, मेरे यहाँ ये कर्तव्य होता है, परंतु आपके ही धन से, आपके द्वारा दी गई भिक्षा से हम चुनाव लड़ेंगे लेकिन भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। साध्वी प्रचार करती है तो जनता से ही चंदा, माफ कीजिए, साध्वी के मुताबिक भिक्षा लेकर चुनाव लड़ रही हैं। भवती भिक्षाम्य देहि, बोले भारत माता की जय। सही सेठी जी, तलाराम जी, दीदी को दो भैया, दीदी। लेकिन जनता से भिक्षा लेकर जनता के बीच वोट मांगती साध्वी धर्म की राजनीति करना नहीं भूलती। वंदे मातरम कहना होगा, इस देश के फल, इस देश में खाते, इस देश में रहते, इस देश में पीते, यहाँ हर सुविधा का उपयोग करते हो और इस यहाँ पर जन्म लिए हो, और अगर इसके नहीं हुए तो तुम विश्व में कभी किसी के नहीं हो सकते और ना ही ईश्वर के हो सकते हो। साध्वी इतने भर पर भी नहीं रुकती, रथ पर बैठकर प्रचार करती साध्वी उसी भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद के शब्दों को बोलती हैं जिसे आरोप है दिग्विजय सिंह राजनीति में लाए। इन्हीं कांग्रेसियों ने षड्यंत्र करके भगवा को आतंकवाद कह करके, मैं सन्यासी हूँ, मैं आपके बीच में आई हूँ न्याय मांगने के लिए, कि ऐसे लोग जिन्होंने भगवा को आतंकवाद कहा, सन्यासियों को जेल में डाला, प्रताड़नाएं दी, मेरी पूरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, मुझे कैंसर हो गया, उन्होंने इतने केमिकल्स मुझे दिए कि मुझे कैंसर हो गया, मैं चल नहीं पाती हूँ ठीक से और मैं चिड़िया नहीं चढ़ पाती हूँ। कुल मिला के मैं अगर आपके पास नहीं पहुँच पाऊँ तो बुरा मत मानना, क्योंकि 5 साल जब अपने को मिलेंगे तो हम आपके घर घर तक पहुँचेंगे। जनता के बीच बीमारी के कारण ना आ पाने के लिए कांग्रेस के अत्याचार और साजिश को जिम्मेदार ठहराने वाली साध्वी प्रज्ञा, जब पिछले दिनों 22 अप्रैल को सिंधी महिला मंडल की सदस्यों के बीच डांस करती दिखी, तब विरोधी साध्वी पर सवाल उठाते हैं। साधु है, साधु के भेष में एक राजनीतिज्ञ, तो राजनीतिक लोग अपनी बात बदलते भी रहते होंगे, और खासकर भारतीय जनता पार्टी की तो जो DNA है वही झूठ और बदलाव का है। साधारण चुनाव नहीं है ये, चुनाव आम कार्यकर्ता को चुनाव नहीं है, ये चुनाव दो पार्टियों के बीच का चुनाव नहीं है, ये चुनाव राष्ट्रवादी सरकार को देशभक्ति का मजाक उड़ाने वाले के बीच का चुनाव है। उसी मंच से ये घोषणा हुई जिस मंच पर साध्वी बैठी थी। दिग्विजय सिंह के सामने साध्वी को सामने रखकर बीजेपी साधारण चुनाव इसे क्यों नहीं मान रही, अब ये समझना जरूरी हो जाता है। भाजपा बल्कि संघ परिवार एक तरीके का तजुर्बा कर रहा है, वो ये दरअसल जानना चाहता है कि धर्म के प्रति जो लोगों की आस्था है उसको राजनीतिक रूप में वो कहाँ तक जा सकते हैं, और इसके लिए, इस तजुर्बे के लिए जो उसकी लेबोरेटरी है उसके लिए भोपाल को चुना गया है। लेकिन बीजेपी साध्वी के जरिए जो फायदा उठाना चाहती है उस सियासी लाभ के लिए विवाद खड़ा कर साध्वी हानि भी पैदा करती हैं। जैसे चुनाव आयोग पहले ही स्पष्ट निर्देश दे चुका है कि सेना और शहीदों के नाम पर वोट नहीं मांगे जा सकते, लेकिन साध्वी चुनाव आयोग के निर्देश को मानती नजर नहीं आती। मातृभूमि के साथ कभी कोई गद्दारी ना कर पाए,
सैनिकों का कोई अपमान ना कर पाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही अपने स्वाभिमान को बरकरार रख सकती है। भारतीय जनता पार्टी ही देश के दुश्मनों को सर्जिकल स्ट्राइक करके निपटा सकती है। साध्वी के इस बयान की शिकायत भी कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की, तो साध्वी प्रज्ञा ने चौथी बार यू टर्न ले लिया। सेना का अपमान ना सेना हो तो भाजपा को वोट दे। क्या सेना के नाम का इस्तेमाल किया है आपने कल? मैंने ऐसा कोई विवादित बयान नहीं दिया है। अब क्या है, जिन लोगों को जो करना है वो करने दें। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहती जो राष्ट्र धर्म को नुकसान हो। भोपाल में 12 मई को मतदान होना है, अभी 15 दिन बाकी हैं। 12 दिन तक साध्वी प्रचार करेंगी, लेकिन इन 12 दिनों में साध्वी कितने विवाद पैदा करके माफी मांगेंगी, पलटी मारेंगी और चुनाव आयोग के कितने नोटिस का जवाब देंगी? इलेक्शन को धर्म युद्ध बताकर धर्म संकट पैदा करती साध्वी ही बता सकती हैं। Yeah!